में से किसी स्टूडेंट ने रेलगाड़ी में सफर किया है? रेलगाड़ी में क्या होता है? अपने डब्बे होते हैं बाबलो। रेलगाड़ी में क्या होता है? ठीक है, और रेलगाड़ी कैसे चलती है? चुक 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 चुक। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने कभी ऐसा देखा हो यार, जब रेलगाड़ी चल रही है तो बताओ जहां पर पहला डब्बा जा रहा होगा बाकी भी जाएंगे। जहां पर मुल्तान पहुंचेंगे तो सारे डब्बे कहां पहुंचेंगे? कोई हैदराबाद पहुंचा तो सारे डब्बे, कोई लाहौर पहुंचा तो सारे, जहां जहां ट्रेन का पहला डब्बा या इंजन जाएगा बाकी भी जाएंगे। बात समझ आ रही है? बताओ कौन सा मोशन है? क्यों ट्रेन के सारे पार्ट कहां पर पहुंच रहे हैं? एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं, जहां पर एक पॉइंट मूव कर रहा है बाकी तमाम पॉइंट भी। बात बोलो यार, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस सर, ऐसा मोशन जिसमें ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी मूव कर रहे हो यूनिफॉर्मली, मतलब एक साथ क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट ट्रैक। वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी पार्ट ऑफ द ट्रेन इज मूविंग अलोंग दैट स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जब ट्रेन मूव करती है उसके सारे पार्ट भी उसके साथ क्या कर रहे हैं? इसके अंदर मौजूद सारे लोग भी, शकूर भाई जो उसके अंदर बैठे हैं वो भी उसी के साथ, कपूर भाई भी जो बैठे हैं वो भी। बोलो यार, समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं बेटा इसकी फर्दर। थ्री टाइप्स बनती है, लीनियर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ये तीनों टाइप्स किसकी बेटा? इसका मतलब सर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पार्ट बॉडी के सारे क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब पहली कंडीशन के लीनियर, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कौन सी लाइन में? ठीक है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट भी उसके साथ, उसके पार्ट्स के साथ क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। तो फिर ये होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की प्यारे बच्चों कौन सी टाइप होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पार्ट्स के साथ कौन सी कंडीशन मूव कर रहा हो? स्ट्रेट लाइन में। मिसाल के तौर पर आप बस में बैठे, बस सीधे रोड पे चल रही है, तो कौन सा मोशन कराएगी? और मैं आपसे पूछू बेटा, वैसे कौन सी टाइप का आपका बोलोगे? ट्रांसलेटरी की लीनियर कंडीशन है, ट्रांसलेटरी की लीनियर कंडीशन है। ट्रांसलेटरी क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर हर ऑब्जेक्ट उसके पार्ट्स के साथ क्या कर रहे हैं? मूव। लेकिन कौन सी लाइन में मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन से पहुंचते सीधे सीधे जा रहे हैं आगे आगे, आपकी